किस्म के स्पेस शटल्स जो स्पेस में मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, उनके अंदर रहने वाले जो प्राण हैं जो उनके अंदर मौजूद होते हैं, वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील कर रहे होते हैं। वेटलेसनेस का मतलब है कि जीरो ग्रेविटी का होना, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स का उनके ऊपर एक्ट ना करना। यही कंडीशन सेम वेटलेसनेस की प्लेन में होती है। जब आप लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो प्लेन के अंदर बैठे हुए अफराद भी जो हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हैं। सिमिलरली जो एलिवेटर्स वगैरह हैं उनमें भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, बट स्पेस में जो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है वो इस वजह से होती है जो स्पेस शटल्स वगैरह अर्थ से बाहर रोटेशन शो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मुख्य अफराद होते हैं, वो स्पेस शटल जो है वो इतनी तेज़ी से मूव करता है। यानी कि अगर इसे मैं कह दूँ कि ये हमारा वो स्पेस शटल है, इस तरह से फर्ज कर लिया जाए कि मैं थोड़ा इस तरह से फर्ज कर लीजिए कि कोई स्पेस शटल वगैरह है मूव कर रहा है हमारे अर्थ के अराउंड, ये इतनी तेज़ी से मूव करता है, इतनी तेज़ी से कि अर्थ की रिलेटिव, अर्थ की जो मोशन है उसके रिलेटिव इसकी मोशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इतनी तेज़ होती है कि अर्थ की सेंटर से एक्ट करने वाली ग्रेविटी इस पर बिल्कुल एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इसके अंदर रहने वाले अफराद जो हैं वो जो अंदर मौजूद होते हैं इंसान, वो वेटलेसनेस की कंडीशन महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है सैटेलाइट की, स्पेस शटल्स वगैरह की, इतनी तेज़ रखी जाती है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। ये वेटलेसनेस की कंडीशन मुख्तलिफ केसेस के लिए मुख्तलिफ होती है, स्पेस वगैरह के लिए मुख्तलिफ होती है, और सैटेलाइट की ये जो वेटलेसनेस की कंडीशन है इसे ओवरकम करने के लिए हम लोगों को बाज़ औक़ात खुद से ग्रेविटेशनल की ग्रेविटी देनी पड़ती है, खुद से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इनकी वेटलेसनेस की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। हमें ये तो मालूम है कि किसी भी बॉडी के लिए अगर वो ज़मीन के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव कर पाती है। और हमें मालूम है कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी जो मूव कर रही है उसके अराउंड, और दोनों के जो डिस्टेंस है यानी कि आर उसके स्केयर के बराबर होती है, यानी कि उसके स्केयर से उसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। इसी फोर्स की वजह से हर बॉडी जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेशन शो करती है। जो स्पेसशिप वगैरह या स्पेस शटल इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि वो ज़मीन के मोशन से काफ़ी तेज़ उनकी मूवमेंट हो जाए तो वो ज़मीन की इस ग्रेविटी वैल्यू को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। और इसी तरह ये वेटलेसनेस की कंडीशन जो है हमारी डेली लाइफ में भी होती है, मुख्य किस्म के प्लेन्स के अंदर भी होती है, जो मुख्तलिफ अफराद बैठे होते हैं उनमें भी वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। सिमिलरली एलिवेटर्स वगैरह में भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। अगर मैं एलिवेटर की बात करूँ तो एलिवेटर के अंदर जो पर्सन खड़े होते हैं उनके लिए भी वेटलेसनेस की कंडीशन ही होती है। इस एलिवेटर के तीन केसेस को डिस्कस करते हैं, एक वो जिसमें एलिवेटर जो है अपवर्ड मूव करे, एक वो जिसमें डाउनवर्ड मूव करे, और एक वो केस जिसमें बिल्कुल फ्री फॉल यानी कि हमारी एलिवेटर जो है वो बिल्कुल टूट जाए और फ्री फॉल मूव करना शुरू कर दे। एलिवेटर में बॉडी के केस बॉडी की मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें इसकी दो तरह के वेट का पता होना चाहिए। एक वेट वो होता है जिसे हम लोग रियल वेट कहते हैं, और एक वो वेट होता है जिसे हम लोग अपेरेंट वेट कहते हैं। रियल वेट वो होता है जो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी कि जी की वजह से, ज़मीन अपनी ग्रेविटी की वजह से जब किसी भी बॉडी को ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचे तो उसका जो बॉडी का जो वेट होता है वो उसका रियल वेट कहलाता है, और जो अपेरेंट वेट होता है वो ऐसा वेट होता है किसी भी बॉडी का जिसे किसी भी मेयरिंग स्केल से, स्प्रिंग बैलेंस से मेयर किया जा सकता है, जो कि ग्रेविटी की वजह से नहीं होता। जो अपेरेंट वेट है किसी भी बॉडी का, जो कि हमें मालूम है कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी के वेट के बराबर होती है, तो जो अपेरेंट वेट होता है वो उस बॉडी के मास और उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से इक्वल होता है। और जो हमारा रियल वेट होता है जो ग्रेविटी की वजह से होता है वो भी फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला वेट है वो उसका रियल वेट कहलाता है। जी की वैल्यू हमेशा हर जगह कांस्टेंट होती है, जैसे ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाएं तो जी की वैल्यू तब्दील होती है, इसलिए ये वाला वेट जो रियल वेट है वो तो हमेशा बॉडी के वेट के बराबर ही होता है। और जो अपेरेंट वेट है जैसे जैसे हमारा यानी कि बॉडी का मास या एक्सेलरेशन, लगने वाला एक्सेलरेशन चेंज होता जाता है तो हमारा अपेरेंट वेट भी तब्दील होता जाता है। इसी वजह से जो अपेरेंट वेट है उसे किसी भी स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं।
हमारी एलिवेटर्स होती हैं जिसमें हम लोग मूवमेंट मूव करते हैं जिसके अंदर रह के एलिवेटर के, वो एलिवेटर किसी ना किसी चीज से स्ट्रेच की होती है, यानी कि किसी ना किसी चीज से बंधी होती है ऊपर की तरफ, तो वो चीज इसे ऊपर की तरफ खींचती है, जबकि एलिवेटर को जमीन की ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ भी खींचती होती है, यानी कि इसको ग्रेविटी की फोर्स जो है, इसका वजन जो है, इसका वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन इस एलिवेटर के अंदर जो टेंशन है टी, वो इसको अपवर्ड ले जाती है। जब कोई भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हमारी एलिवेटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग इस एलिवेटर के अंदर है, तो हमें भी इस एलिवेटर की वजह से ऊपर की तरफ ही मूवमेंट शो करनी पड़ती है। अब अगर इसे मैथमेटिकली प्रूव करें कि हम लोग ऊपर की तरफ जाते क्यों हैं, तो इसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इस बॉडी पर, इस एलिवेटर पर जिसके अंदर इस वक्त एक पर्सन खड़ा हुआ है, इस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मुझे नेट फोर्स निकाल लेनी चाहिए। नेट फोर्स यानी कि इन दोनों फोर्स के जो भी इनका आंसर निकलेगा, एक कोई ना कोई एक नेट फोर्स इन पर एक्ट कर रही होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो टेंशन है वो हमारी अपवर्ड एक्ट कर रही है, यानी कि टेंशन जो है वो टेंशन माइनस जो वेट है हमारा इस एलिवेटर का, जिसकी वजह से जिसको जमीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, वो डब्ल्यू है। और ये जो नेट फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस एलिवेटर पर, ये एम इंटू ए के बराबर है, यानी कि इस बॉडी का मास और इस पर जो एक्सेलरेशन फोर्स जो कि अपवर्ड लग रही है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस हुआ होगा ना, तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के इक्वल आ जाता है। और हमें मालूम है कि हमारा जो वेट है, जो रियल वेट है, वो एम जी के इक्वल आएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू है जमीन के, उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एम जी के इक्वल आ जाएगा। अगर मुझे टेंशन बताना हो तो मैं इसे कह सकती हूँ कि एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू टी, यानी कि जो हमारी टेंशन है वो सिचुएशन में इतनी ज़्यादा है कि वो इसकी वेट और इसके फोर्स के प्रोडक्ट दोनों के प्रोडक्ट के प्लस के इक्वल आती है। तो मुझे कहना चाहिए कि जो इस वक्त मेरी टेंशन है वो टेंशन ग्रेटर देन वेट है, यानी कि जिसका रियल वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसकी निस्बत हमारी जो टेंशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि टेंशन के ज़्यादा होने की वजह से ही जो हमारी एलिवेटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और हम जो है वो वेटलेसनेस की कंडीशन शो करते हैं। अगर अब इस सेकेंड केस की बात की जाए, तो इसमें हमारा जो वेट है, जो ये वेट है या रियल वेट, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन अपवर्ड है। तो अब मुझे जो नेट फोर्स है वो मैं इस तरह से निकाल सकती हूँ कि जो इसकी वेट है, रियल वेट माइनस टेंशन आ जाएगा। तो नेट फोर्स तो मुझे मालूम है कि नेट फोर्स जो है हमारे एम इंटू ए के इक्वल ही है, और जो वेट है, रियल वेट, वो एम जी के इक्वल है, और ये हमारी टेंशन आ जाती है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूँ कर देना चाहिए कि टेंशन इस तरफ आ जाए और एम जी माइनस एम ए, यानी कि हमारी जो टेंशन है वो जब एलिवेटर नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारी जो टेंशन है वो कम हो जाती है उसके रियल वेट से। और जब ये थर्ड कंडीशन की बात की जाए, यानी कि जब हमारी जो है एलिवेटर बिल्कुल ही उसमें टेंशन ही ख़त्म हो जाए, वो कहीं ना कहीं से टूट जाती है, तो हमारी जो एलिवेटर है वो वेटलेसनेस की कंडीशन शो करती है, और इसके अंदर जो भी पर्सन है वो वेटलेसनेस की कंडीशन शो करता है जब एलिवेटर बिल्कुल टूट जाए। और ऐसा होता तब है जब जो हमारा रियल वेट है वो और नेट फोर्स बिल्कुल इक्वल आ जाए, यानी कि इस केस में हमारी जो टेंशन है उसे यूँ लिखना चाहिए कि हमारी जो टेंशन है वो हमारा रियल वेट माइनस नेट फोर्स अगर मैं कर दूँ तो ये एम जी माइनस एम ए, और ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, जिस टाइम ये एक्सेलरेशन जिससे हमारी जो बॉडी है मूव कर रही है नेट फोर्स के लगने से, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बिल्कुल इक्वल हो जाए, तो हमारी जो एलिवेटर है वो वेटलेसनेस की कंडीशन शो करती है, यानी कि एम जी माइनस इस ए की जगह भी एम जी हो जाए तो बिल्कुल टेंशन ज़ीरो हो जाती है। तो उस वक्त सारी की सारी एलिवेटर जो है उसमें कोई भी टेंशन नहीं होती, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, तो उसे ऊपर की तरफ, उसमें टेंशन होकर उसमें ऊपर की तरफ मूव करना, ऐसा कोई भी केस नहीं होता, बल्कि हमारी एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। तो इसमें जो हमारी जो एलिवेटर है उसको बिल्कुल ही फ्री फॉल मूव करती है, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस की कंडीशन शो करती है। तो इस तरह की कंडीशन में जब एलिवेटर इस पोजीशन पे आ जाए, तो जो हमारी बॉडी है वो इस वक्त वेटलेसनेस की कंडीशन महसूस करती है, और इस चीज़ को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं, यानी कि इसका रियल और अपेरेंट वेट बिल्कुल इक्वल हो जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे एक्सेलरेशन ए के इक्वल आ जाए, ए बिल्कुल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, तो हमारी जो टेंशन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है और वेटलेसनेस की कंडीशन अपेयर हो जाती है।